नहीं, हम सहमत हैं काफ़ी हद तक। आई थिंक हिंदुस्तान भी काफ़ी सहमत हो गया। कुछ कुछ लोग बदल चुके हैं, कुछ लोगों की बदलने की देर है। हाँ नहीं, अपने घर समझ बैठ जा रहा हूँ आराम से। राहुल क्या फर्क है, और आवाज़ कर ले थोड़ी सी। आई डू बिलीव आज हुनर की वजह से, काबिलियत की वजह से आपको आगे बढ़ने का मौका या काम करने का मौका या कुछ भी करने का मौका मिलना चाहिए। लाइट आपको फिर से ऑन करनी है? नहीं, ठीक है। कुछ भी करने के लिए यू डोंट हैव टू बी, अरे आप मर्द हो तो आप ये करोगे, औरत हो तो आप ये करोगे, ये ज़रूरी नहीं है। सिलेक्शन हुनर पे होना चाहिए, काबिलियत पे होना चाहिए। एंड इवन इफ़ यू वांट टू बी अ होम मेकर, ये नहीं कि ये सिर्फ औरतों का काम है। अगर मर्द हाथ बटाना चाहे तो इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। हिंदुस्तान में क्या कई बार होता है, लोग एम्बेरेंस होते हैं ये बात की बातचीत करने में, क्योंकि सोसाइटी कहता है नहीं नहीं लड़कों को नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हाथ बटाते हैं और बाकायदा पूरा घर संभालते, बच्चों को भी संभालते जब बीवी अच्छी खासी कॉर्पोरेट नौकरी कर रही है। तो मैं ये कहूँगा काम के सिलसिले में आज स्त्रीलिंग पुल्लिंग सेम थिंग बन चुका है। जैसे आप देखते हैं हमारे मीडिया में भी आज आई थिंक मैन एंड वुमेन आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ कितने जर्नलिस्ट है, कि काफ़ी हद तक इक्वालिटी आ चुकी है। बट स्मॉल परसेंटेज का मतलब ये नहीं कि उन्हें अहमियत ना दी जाए। अगर वो माइनॉरिटी है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नहीं वो ज़रूरी नहीं है। उनके भी इमोशन होते हैं, उनकी भी फीलिंग होती है, उन्हें भी दर्जा देना चाहिए, उन्हें उनकी भी रिस्पेक्ट करी जानी चाहिए। सो एवरी मैन दैट रन्स अ होम शुड बी गिवन दैट ड्यू, बिकॉज होम मेकिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब है। हमेशा कहते हैं ना घर पे बैठी रहती, वो घर पे बैठती नहीं, वो घर बनाती है, संभालती है, ताकि आप सब बाहर जाकर अपनी ज़िंदगी के जो ख्वाब है वो पूरे कर सके। वो बहुत सैक्रिफाइसिंग प्रोफेशन होता है, इट्स अ जॉब बाकायदा। वेरी राइट दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट अ होम मेकर। हम लोग वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अरे घर पे कुछ यू नो हाउस वाइफ है एंड शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, बट आई थिंक दैट इज़ वॉट शी हैज़ द मेन कोर टू मेक अ मैन हैप्पी, टू सेट अप अ होम। इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड, यू नो, आई मीन टू जस्ट यू नो बिल्ड अ हैप्पी एंड हेल्दी हाउस। कॉन्सेप्ट जो आइडिया है, जो फिलोसफी है, आई थिंक मैं ये मानता हूँ बहुत काबिल डायरेक्टर है बाल्की सर, जिन्होंने ऐसा आइडिया चुना है, क्योंकि वो अच्छी तरह इसे दर्शा सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द करेक्ट डायरेक्टर विद द करेक्ट मटेरियल ऑल्सो समटाइम्स। तो USP है उन्होंने, मैं दुआ करता हूँ हम दोनों भी USP हो पिक्चर की, बिकॉज कॉन्सेप्ट यूनिक है, कास्टिंग भी यूनिक है, और नया नई एनर्जी नया सुर है पिक्चर का, तो होपफुली लोग एंजॉय करेंगे। क्यूरियोसिटी बढ़ती है ना, लोग जानना चाहते हैं कियन का क्या होता है। तो कियन का हिंदी में हमेशा होता है ना नौकरी की जाती है, तो मतलब वो स्त्रीलिंग हुआ, घर चलाया जाता है या बनाया जाता है तो वो पुल्लिंग हो गया। कियन का हमेशा वो सेग्रीगेशन ले आता है सोसाइटी में, सोच विचार में। बट हमने फिल्म का नाम कियन का इसलिए रखा बिकॉज लड़की और लड़का, वी वॉन्टेड दैट टू बी अ टॉकिंग पॉइंट इन द फिल्म, बिकॉज कियन का के वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लैंग्वेज का फ़र्क होता है, उससे काबिलियत का फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे साथ काम करना चाहती थी, हाँ। I think that of course जब मैंने कहानी सुनी तो I didn't even wait to the end of the second half. मैंने intermission में ही कह दिया कि I'm doing the film, because it was such a different concept, such a novel concept. पहली बार ऐसे subject I think Indian screen पे ही आ रहा है, तो of course I jumped at the role. आपने जब पहले जब ये वाली कहानी सुनी तो पहला reaction क्या था? यही तो मैंने कहा कि I jumped at the role, because it was so interesting and इतनी अलग concept थी, कभी बड़े पर्दे पर दिखा नहीं। यार मैंने तो दो लाइनें सुनी, मैंने पूछ लिया बाल्की सर से कितने बजे आना है शूटिंग पे। नहीं अच्छा, आपने टू स्टेज नहीं देखी होगी? नहीं अच्छा, आपने टू स्टेज तो बिल्कुल नहीं देखी है। नहीं, मैं एक एक्टर हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं हर तरह के रोल कर सकता हूँ और करते जाऊँगा। मेरी सबसे बड़ी जो सक्सेस रही है वो टू स्टेज रही है, जो एक जेन्यून फैमिली रोमांटिक ड्रामा थी। As an actor, I've never ever shied away from experimenting and taking chances. So for me,
आई वुड लाइक टू बिलीव आई एम एबल टू डू ऑल काइंड ऑफ रोल्स. एक्शन की इमेजरी होगी पर बाकायदा मेरी सबसे सक्सेसफुल फिल्म तो रोमांटिक पिक्चर है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस आई थिंक फिल्म को पसंद करती है ना कि आपके इमेज को. आई थिंक वो पुराना जमाना था जब इमेजरी बहुत ज़रूरी होती थी. आज नए एक्टर्स जो है वो फिल्म से जुड़े होते हैं, फिल्म आज प्रायोरिटी ले चुकी है. नो आई यू टू रियलाइज a director comes with an idea and a thought. It's not always drawn from that somebody that he knows or she knows, but you've heard about a lot of people like this. Bahut sare aise log hain, hum dono jante hain. I know a lot of, especially for example, writers, they can work out of home and still be homemakers. This boy doesn't have ambition. We are not saying you should not have ambition. That is this boy. He does not want to get into the corporate world or the rigmarole of working every day. आई नो इनफ पीपल, तो मुझे पता है कि ऐसे लोग हैं, बस इनके बारे में बातचीत नहीं होती बिकॉज लोग एम्बेरेस फील करते हैं, सोसाइटी इन्हें नीचा दिखाती है कि नहीं नहीं तुम औरतों का काम कैसे कर सकते हो. अब हाँ, कई जगह पे तो मर्दों को किचन में आना अलाउड नहीं है, नहीं नहीं ये तो औरतों की जगह है, तुम मत आओ बेटा, तुम बाहर बैठो. तो ऐसे सोच विचार की धारा बहुत है, इसीलिए ये फिल्म हमने बनाने का फैसला लिया, बिकॉज इट्स अ नाइस ट्विस्ट, इट्स अ फन पॉजिटिव ट्विस्ट ऑन दैट, ना कि कोई इंस्पिरेशन एक इंसान देखा जिसकी वजह से ये कहानी लिखी. सब अलग अलग चीज़ें हैं. शेफ्स जो बाकायदा होटल्स में होते हैं वो अमेजिंग खाना बनाते हैं, लेकिन जब आप होटल में रह के बोर हो जाते हो घर जाके, तो आपको घर का खाना ही पसंद आता है जो एक औरत पकाती है. तो आई थिंक इन बोथ एस्पेक्ट्स दे बोथ आर यूनिक. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ये सेपरेशन नहीं होना चाहिए कि मर्द खाना अच्छा बनाता है या औरत, अच्छी तरह बनाते दोनों. मैं प्यार के लिए खाना जानता हूँ, पकाना नहीं. मी टू, ओनली लव टू ईट. हाँ, मैं प्यार के लिए ये एक्शन बहुत अच्छी तरह करता हूँ. सर इस पिक्चर के पहले मैं किचन में जाने से डरता था, पॉपकॉर्न बना सकता हूँ बस और कुछ नहीं. लास्ट टू क्वेश्चन. ओके, एनीथिंग फ्रॉम मूवी व्हिच हैज टच्ड यू बोथ ऑन अ पर्सनल नोट? आई मीन यू हैव टू सी द फिल्म सो आई कैन टेल यू इन डिटेल, बट बहुत सारी चीजें हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड, हम लोग रियलाइज नहीं करते. तो व्हेन यू डू अ फिल्म लाइक दिस समटाइम्स यू रियलाइज, अरे यार मी बीइंग अ होममेकर इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. इनफैक्ट पूरा दिन खत्म हो जाता है, आपका काम फिर भी चलता रहता है. यू आर द फर्स्ट टू वेक अप एंड लास्ट टू स्लीप. सो व्हेन आई डिड द फिल्म आई रियलाइज यार इवन आई एम मे बी वन ऑफ दोज पीपल दैट डिडंट रियलाइज कितना मुश्किल होता है घर संभालना, एक घर बनाना. दैट इज माई टेक होम फ्रॉम द फिल्म, दैट आई डेफिनेटली डू हैव न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल द होम मेकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. जी जी जी, करीना कपूर को इम्प्रेस करने की क्या क्या नहीं करना पड़ता. ये नॉर्मल चूजों से इम्प्रेस नहीं हो रही थी, मैंने हील्स पहनने का फैसला किया. नहीं, वो गाना ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल था पहले भी, जब जायज़ धामी और हनी सिंह ने निकाला था 3 साल पहले. वी फाउंड इट वेरी एप्ट फॉर द फिल्म. बाल्की सर ने ये फैसला किया कि करीना नहीं, मैं हील्स पहनूंगा. तो आई थिंक इट्स नाइस टू समटाइम्स यूज अ विजुअल टू क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड गेट द मैसेज अक्रॉस. हमेशा हम कहते हैं ना, एक फोटो से आपको पता लग सकता है पिक्चर के इस बारे में. तो ये 2.5 मिनट के गाना देख के आप समझ सकते हो कि हमारी फिल्म किस विषय पर आधारित है. वो मैंने जानबूझ के किया था ताकि आप सब यूज्ड हो जाओ मुझे हील्स में देख के. मैं तो यूज्ड हो चुका था, बट मैं चाहता था कि सारे जो लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, दे शुड नॉट फाइंड इट शॉकिंग व्हेन दे सी द सॉन्ग कम आउट. तो आई थिंक इट वाज एन, आई डिड इट इन फन. आई जस्ट थॉट हमेशा औरतें हाई हील्स पहन के जाती है ना, तो इस बार मर्द कर दे. थैंक यू. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.